1 सितंबर जब से नया ट्रैफिक नियम आया है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी है। कई जगह तो ये खबर काफी ज्यादा तारीफें बटोर रहा है, तो वहीं कई जगह पे ये जो नया नियम है उसने बवाल भी मचा दिया है। जैसे कि आपने पीछे खबर सुनी होगी कि 15,000 की स्कूटी का 27,000 का चलान हुआ, वहीं आपने खबर सुनी होगी कि पुलिस वालों का रिश्वत की जो कमाई है वो बढ़ गई है, और इस वजह से पुलिस वाले रिश्वत की कमाई के बंटवारे के लिए आपस में भिड़ गए हैं। ऐसा ही कुछ नया बवाल बिहार के मुजफ्फरपुर में मचा है। जी हाँ, नया बवाल ये है कि बिहार पुलिस ने ऑटो रिक्शा वालों का चलान काटा है। ऑटो रिक्शा वाले का चलान कट गया कोई बड़ी खबर नहीं है, खबर बड़ी ये है कि ऑटो रिक्शा वाले का चलान किस कारण से कटा है। तो आप अभी इसमें वीडियो स्क्रीन पे एक चलान का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो कि नागेंद्र शाह के नाम पे है, और इस चलान में आप देख पा रहे होंगे कारण में लिखा हुआ है सीट बेल्ट। तो यही बवाल का कारण है। आप समझ सकते हैं कि ऑटो रिक्शा में दरअसल सीट बेल्ट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं होती, तो ये ऑटो रिक्शा वाले सीट बेल्ट कहाँ से बांधेंगे। तो ये नया बवाल है, और जब बवाल मचा है तो ये वायरल भी है काफ़ी ज़्यादा, और इसको लेके मुजफ्फरपुर सोरैया थाना के जो प्रभारी है वो सामने आए हैं ताकि बवाल को कुछ शांत किया जाए, और उन्होंने मामले की लीपापोती करने के लिए अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान में ये कहा है कि हमारे ऊपर से दबाव है कि जो चलान है वो कम रकम की जाए। इस वजह से आपको बता दें कि इन जो ऑटो ड्राइवर थे इनके पास कम कागजात थे, तो अगर हम कम कागजात के वजह से चलान काटते तो चलान की रकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती, 10 या 15 हज़ार की हो जाती। हम इस रकम को कम करने के लिए जो कारण है उसमें हमने सीट बेल्ट डाल दिया है। अब पूरी खबर में कितनी सच्चाई है ये मामला तो कोर्ट में जाने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चंदन कुमार से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।